जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक जग इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। तस्वीरें मैं आपको यहाँ नानक जग इलाके से दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि एक बड़ा ही भयानक सड़क हादसा पेश आया है और आप तस्वीर जो देख पा रहे हैं, ये जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस कंटेनर के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। ये तस्वीरें मैं आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक चक इलाके से दिखा रहा हूं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहां इस नानक चक के स्ट्रेच की बात करें तो यहां आए दिन सड़क हादसे पेश आते हैं और लगातार यहां पर काफी जानी माली नुकसान होता है। तस्वीरें में आप जो देख पा रहे हैं, मैं तमाम तस्वीरें आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको बता दें ये जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं हाईवे का, यहाँ से ये तमाम गाड़ियां जम्मू की ओर जा रही है, कठुआ की ओर जा रही है। ये सिंगल स्ट्रेच है और यहाँ काफी ये कंप्रेस स्ट्रेच है और यहाँ पर कई सड़क हादसे जो है यहाँ पेश आते हैं। लेकिन ये जो सड़क हादसा पेश आया, आपको मैं बता दूं, ये जो रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं, रेलवे ब्रिज का जो गार्डर आप देख पा रहे हैं लोहे का, ये जो कंटेनर एक ट्राले में जो है जम्मू लेकर जाया जा रहा था, बताया जा रहा है कि इस कंटेनर को पुणे से लाया जा रहा था और उसे जम्मू जो वो ड्रॉप करना था। लेकिन जब ये नानक जग इलाके में कंटेनर पहुंचता है, कंटेनर को ट्राले के ऊपर लोड किया था और बताया जा रहा है कि शायद स्पीड भी ज्यादा होगी ट्राले की, और यहाँ पर अक्सर जो वो अगर गाड़ी तेज आती है तो जंप करती है गाड़ी, और यहाँ से हाइट कोई ज्यादा नहीं है, हाइट भी कम है। और बताया जा रहा है कि जो रेलवे गार्डर है उसके साथ ट्राला जो है ये हिट करता है और ये जो कंटेनर है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ हाईवे पर जो ट्रैफिक लगातार बाधित होती है हमें जो वो दिखाई देती है, और आज भी इसी तरह से हुआ कि जब ये हादसा पेश आया तो यहाँ पर ट्रैफिक जो वो काफी घंटों तक बाधित रही। मैं तस्वीरें आपको पास से दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि लगातार जिस तरह से सड़क हादसों का बढ़ता जा रहा है, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल नया कंटेनर है और शायद ऑन डिमांड जो इसे जम्मू में ड्रॉप करना था, लेकिन जम्मू पहुंचने से पहले ही आप इसकी जो हालत है वो देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी पूरी तरह से इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये हालांकि ये चादर लोहे की चादर होती है, लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां ऊपर से भी ये तस्वीरें कि ये तमाम जो इस कंटेनर की हालत है वो आपके सामने है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नया जो कंटेनर है जिसे जम्मू ड्रॉप करने जो है वो जो ट्राला जिसके ऊपर ये कंटेनर लोड था और ट्राला जो है इसे जम्मू में ड्रॉप करना था, लेकिन जिस तरह से ये पहुंचने से पहले नानक जग में यहाँ सड़क हादसे का शिकार हो गया और सड़क हादसा जिस तरह से पेश आया वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सड़क हादसा पेश आया है, ये नानक जग में जो रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज का जो गार्डर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसी के साथ ये जो कंटेनर है ये टकराता है, क्योंकि ट्राले की अपनी हाइट है, ट्राले के ऊपर इस कंटेनर को जिस तरह से लोड किया हुआ था। और यहाँ जब ये हाईवे पर नानक जग इलाके में पहुंचा तो जो रेलवे गार्डर है, ब्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा है, गार्डर है लोहे के, उसके साथ जो वो टकरा जाता है और टकराने के बाद इसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ जाते हैं। देखिए पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसका कुछ बचा नहीं है, अगला हिस्सा बचा है, लेकिन अगर पीछे का हिस्सा आपको बताएं, ये पीछे की जो पूरी बॉडी है लोहे की ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपको तस्वीरों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग भी साथ थे जब ये हादसा यहाँ पर पेश आया, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस कंटेनर की बात करें तो इसका कुछ नहीं रहा। देखिए ऊपर से पूरी तरह से ये खुल चुका है और कारण भी जिस तरह से ये है कि ये जो हादसा यहाँ पर पेश आया ब्रिज के साथ टकराने के बाद, और उसके बाद इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगला हिस्सा जो है आप ये भी देख सकते हैं, ये हादसा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक चक इलाके में पेश आता है। आपको तस्वीरें मैं लगातार यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए आप पूरी तस्वीर इस ट्राले की देख सकते हैं, और मैं यहां कोशिश करूंगा कि जो भाई साहब यहां पर बैठे हुए हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कारण रहा होगा जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया। लेकिन अब आपको मैं लोहे का गार्डर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जो रेलवे ब्रिज का गार्डर है नीचे लोहे का, और इसकी हाइट सड़क से आप देख सकते हैं कितनी है, और आपको बता दें कि जब कोई इस तरह से ऊंची गाड़ी आती है
वो यहाँ पर अगर तेज होती है वो जंप करती है और इसके साथ जो वो टकराती है। इसी तरह से ये जो आप मेरे पीछे एक ट्राला देख रहे हैं, ट्राले के ऊपर आप बस जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से उसे लोड किया हुआ है, इसी तरह का ट्राला था जिसमें ये कंटेनर जो है वो लोड किया हुआ था। और अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से ये कंटेनर में आप बस लोड देख रहे हैं, तो बस लोड उसकी हाइट आप देखिए कितना किस तरह से हाइट जो वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर इस हाइट की बात करें रेलवे गार्डर की, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के सड़क हादसे लाजमी हो जाते हैं, इस तरह के सड़क हादसे पेश आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है, तो यहाँ जो है इस रेलवे गार्डर के साथ ट्राले पर लोडेड ये कंटेनर जो है वो टकराता है और उसके बाद ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। गनीमत ये रही कि चालक ठीक है, जो सहचालक होंगे वो भी ठीक है, लेकिन इसमें बड़ी एक गनीमत ये रही कि जिस तरह से ये गार्डर के साथ ट्राला टकराता है तो गार्डर को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी ऊपर रेलवे पटरी है, ये रेलवे ब्रिज है। अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा यहाँ हो जाता तो शायद जो है रेलवे ब्रिज को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन एक भाई साहब हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा और एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया। लेकिन ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया है। तो इन भाई साहब से जानने की कोशिश करते हैं क्या ये कहना चाहते हैं। भाई साहब, ये जो ट्राला लेकर ट्राला जम्मू की ओर जा रहा था, इस ट्राले के ऊपर ये कंटेनर लोड था, तो कैसे ये सड़क हादसा पेश? हमें जो मोटे तौर पर जानकारी है कि इस रेलवे ब्रिज का जो गार्डर है इसके साथ टकराता है, क्या कारण रहे होंगे आप यहाँ पर आए? ये सर देखिए, इधर रोड है, उधर थोड़ा रोड डाउन है, इधर कम है, ये जंप करता है। अच्छा, ये जंप करने के कारण में लगा, ये थोड़ा सा लगा, ये लगा इस पोजीशन में लगा है। अच्छा, इसके वजह से ये लग के डायरेक्ट ट्रॉलर के नीचे आ गया। नीचे आ गया जी। अच्छा, यानी ऊपर से जब हिट किया तो ये खुल गया ऊपर से पूरा पूरा? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट पूरा नीचे आ गया। अच्छा, नीचे आके पूरा पटका गया। हाँ। अच्छा, तो अब इसके ऊपर रखा हुआ है इसको फिर? जी जी, अभी ये हाइड्रा मशीन से पुलिस वाले आके करवाए। ये कितने बजे ये पूरा वाक्य पेश? ये सुबह करीबन 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे जी। उसके बाद तमाम ट्रैफिक यहाँ पर बाधित हुई होगी? जी जी जी। तो कितना नुकसान है? ये तो पूरा कुछ रहा नहीं इसका? नहीं, अब कुछ नहीं रहा, ये अब केस हो रहा है, FIR हो रहा है। देखिए थाना, ट्राले का जो ड्राइवर आपका वो कहाँ पर है? वो थाने के हुआ। वो ठीक है वैसे? जी ठीक। बताया जा रहा है कि गाड़ी भी तेज थी आपकी? जी, गाड़ी भी तेज, गाड़ी तेज, वही करीबन 40-45 की स्पीड में थी। अच्छा जी, 40-45। तभी ये हादसा पेश है? जी जी। लेकिन इसमें बड़ी गनीमत ये रही कि रेलवे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज ट्रेनों को नुकसान हो सकता? जी जी, रेलवे में कोई नुकसान नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, ये समझिए थोड़ा फोल्ड है, ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहाँ से ला रहे थे? पूना से ला रहे जी? ये पूना से ला रहे थे, एक गाड़ी वहाँ लोड है, वो बेंगलोर से लोड करके आ रहे हैं कर्नाटक से। टोटल ट्रॉलर में कितने लोग उस समय बैठे हुए थे जब ये हादसा पेश आया? ट्रॉलर में सर एक ही ड्राइवर ही थे। तो आप कहाँ थे? मैं वो गाड़ी का ड्राइवर। अच्छा, दूसरी गाड़ी जी? अच्छा, वो गाड़ी मेरी है, मैं आगे पार हुआ था, मेरी टच नहीं हुई। जानी कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ इसी का नुकसान, बस इसी नुकसान है। बिल्कुल। तो आपने इन भाई साहब को सुना है कि किस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का ये नानक चक्का इलाका, यहाँ पर ये सड़क हादसा पेश आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं, रेलवे ब्रिज का जो गार्डर है, गार्डर के साथ जो वो ट्राले पर लोडेड ये कंटेनर जो वो टकराता है, क्योंकि ट्राले की स्पीड भी बताया जा रहा है कि थोड़ी ज्यादा थी, और यहाँ पर डाउन है रोड, तो यहाँ से अक्सर जो वो गाड़ियां जंप लेती है और ज्यादा हाइट वाली गाड़ियां जो है वो ऊपर इसी रेलवे गार्डर के साथ टकराती है, इसी तरह के सड़क हादसे पेश आते हैं। और ये बताया जा रहा है कि कंटेनर पूरी तरह से जो वो सड़क के नीचे जो ऊपर आ चुका था, उसके बाद क्रेन हाइड्रास की मदद से जो है इसे रोड साइड पर किया गया, और उसके बाद जो है ट्राला अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर वहां से उसे भेजा गया है। ट्राले का जो चालक है वो बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस चौकी पर है, पूरा जो इसमें पुलिस की तरफ से मामला जो वो दर्ज किया गया, कार्रवाई करी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि शायद कोई इसमें केस भी रजिस्टर्ड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना है कि क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती है। लेकिन एक बार फिर मैं ये तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो ये हादसा जहां जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक चक इलाके में पेश आया है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी, ये कंटेनर है जिसे पूना से जो है जम्मू लाया जा रहा था,
और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब मैं कोशिश करता आपको पूरी हाइट से भी तस्वीरें दिखाने की, लेकिन यहां से इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये सड़क हादसा पेश आया होगा, कितनी जोरदार टक्कर जो है वो रेलवे ब्रिज के जो गार्डर है उसके साथ हुई होगी। जिस तरह से ये पूरा का पूरा आप हिस्सा देख सकते हैं कि खुल चुका है और ये सड़क पर गिरा, जिसके बाद ट्रैफिक काफी देर तक जो है वो बाधित रही। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना, तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसका कुछ रहा नहीं है, ये कंटेनर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखिए टेम्परेरी नंबर भी जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर, इसका टेम्परेरी नंबर है ये। और ये तस्वीरें आपको मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानकचक इलाके से दिखा रहा हूँ। यहाँ ये भयानक सड़क हादसा पेश आया, लेकिन गनीमत यही रही कि जो यहाँ पर रेलवे ब्रिज का गार्डर आप देख पा रहे हैं पीछे, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसको नुकसान हो जाता तो यहाँ पर जो है नुकसान अगर होता तो यहाँ पर रेलवे सिस्टम जो है वो भी बाधित हो सकता था। और अक्सर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक ट्राला बताया, ट्राले के ऊपर जो बस लोड है, इसी तरह से ट्राले के ऊपर ये टैंक कंटेनर भी लोड था। और जब ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग इस नानकचक इलाके में पहुंचा, गाड़ी की रफ्तार भी तेज थी ट्राले की, तो यहाँ से जो है यहाँ जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार कम होती है, यहाँ पर अक्सर बड़ी गाड़ी जंप लेती है और जो लोडेड जो भी गाड़ी होगी या कुछ और भी लोडेड जो सामान रहता है वो अक्सर हाइट कम होने के कारण यहाँ पर हिट करता है ऊपर और उसके बाद इसी तरह से सड़क हादसे पे जाते हैं। लेकिन अगर लोड होता ज़्यादा तो शायद ये जो कंटेनर है ये गिरता नहीं, थोड़ा सा हिट करता, कोई थोड़ा नुकसान होता। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसका कोई ज़्यादा वेट नहीं है, कंटेनर लोहा है सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ एक टक्कर होने के बाद जिस तरह से ये पूरा का पूरा कंटेनर फोल्ड हो चुका है, सड़क के ऊपर आ चुका, उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना। लेकिन चालक की बात करें या सहचालक की बात करें तो उनको कोई चोटें नहीं आई है, वो ठीक हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ साथ अब जिसका ये मालिक होगा कंटेनर का वो भी यहाँ पर आया होगा, अब ये तमाम कार्रवाई का पार्ट है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भयानक हादसा पेश आया, इसमें बड़ी गनीमत यही रही कि कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई इसमें लोग इंजर्ड नहीं हुए, अदरवाइज एक बड़ा हादसा यहाँ पर जो वो पेश आ सकता था। तस्वीरें आपके सामने हैं इस रेलवे ब्रिज की, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का ये नानकचक का इलाका, यहाँ पर अक्सर पहले भी कई सड़क हादसे पेश आए हैं, स्ट्रेच छोटा होने के कारण, कंप्रेस होने के कारण इस तरह के हादसे यहाँ पर पेश आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से स्ट्रेच जो वो डाउन है, उसके बाद इसी तरह के सड़क हादसे पे जाते हैं, जब कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है ऊंची गाड़ी वो जंप करती है तो गार्डर के साथ टकराती है, उसके बाद इसी तरह के हादसे पेश आते हैं। तस्वीरें आपको जाते जाते फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आखिर में, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का ये नानकचक का इलाका, यहाँ पर ये सड़क हादसा पेश आया है। और ये जो आप दूर तस्वीर देख पा रहे हैं ट्राले की, इसी तरह का ट्राला जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बस जो है उसे लोड किया है ट्राले के ऊपर, और इसी तरह से ऐसा ही ट्राला जिसके ऊपर ये कंटेनर लोड था, ये जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानकचक इलाके से यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस सड़क हादसे को लेकर, जो सड़क हादसा जो है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानकचक इलाके में पेश आया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सिंगल स्ट्रेच है तो कंसर्न अथॉरिटी से हमारा ये लगातार एक गुजारिश रहेगी कि कम से कम इस स्ट्रेच को लेकर कोई संज्ञान लिया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी हम बात जो अपील कर रहे हैं, रेलवे अथॉरिटी से भी अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मसले का संज्ञान लिया जाए ताकि हादसे यहां पर पेश ना आए, क्योंकि अक्सर यहां पर सड़क हादसे पेश आते हैं। और इस स्ट्रेच का कोई संज्ञान लेकर यहां से इस तरह से गाड़ी निकले कि गाड़ियां आपस में आमने सामने से ना टकराए। हमने अक्सर यहां पर आमने सामने टक्कर होती भी गाड़ियों की देखी है, यहां पर कई सड़क हादसे पेश आए हैं, जानी नुकसान यहां पर जो वो हुआ है, माली नुकसान कितना ज्यादा होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको लेकर कुछ संज्ञान लेना होगा। लेकिन ये ट्राला जिसमें ये कंटेनर लोड था ये रेलवे ब्रिज के गार्डर के साथ टकराया और ये नीचे गिरा, परखच्चे इसके उड़ गए हैं,
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो ट्राला जो कंटेनर जम्मू की ओर लेकर जाया जा रहा था, पूना से ये आ रहा था, इसमें कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये हादसा यहाँ पर पेश आया तो ट्रैफिक बाधित हुई, कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित हुई। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से क्रेन हाइड्रास को यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद यहाँ से इसका जो ये पूरा का पूरा स्क्रैप आप कह सकते हैं, इसे यहाँ से रोड के साइड पर किया गया है। ये बड़ा सड़क हादसा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक चक में पेश आया। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।